प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी शब्दावली कक्षा 3 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट असेसमेंट के लिए हिंदी शब्दावली का दोहराव कराने जा रही हूँ। जिस प्रकार परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं, उसी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी। बच्चों, यह आपकी वर्तनी सूची है जो आपके विद्यालय के वेबसाइट पर डाल दी गई है। अब आपको इस सूची से हर दिन कम से कम 10 शब्द आपको लिख लिख कर उच्चारण करते हुए याद करना है। वर्तनी में 20 शब्द आते हैं। श्रुति लेख पठित या अपठित आते हैं। पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, जो आपने अपने पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न से पढ़ा है, और अपठित का अर्थ होता है जिसको आपने नहीं पढ़ा है। अब हम लोग वर्तनी पर आएंगे। परीक्षा के समय वर्तनी लिखते समय जब शिक्षिका पहली बार शब्द को बोलेंगी तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और दूसरी बार शिक्षिका शब्द बोलेंगी तो आप लोग उस शब्द को लिखेंगे, और तीसरी बार में शिक्षिका के द्वारा बोले गए शब्द को आप लोग मिलाएंगे कि आप लोगों ने सही लिखा है कि नहीं। बच्चों, आप लोग अब श्वेत पट पर ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वर्तनी, बच्चों पहली बार मैं शब्द को बोलूंगी तो आप लोग उस शब्द को सुनेंगे, दूसरी बार मैं फिर उस शब्द को बोलूंगी तो आप लोग उसको लिखेंगे, और तीसरी बार में उस शब्द को बोलूंगी तो आप उसको मिलाएंगे। इसी तरह सारे शब्दों को सुनते हुए लिखेंगे और मिलाएंगे। देखेंगे बच्चों, वर्तनी शीतल, शीतल लिखेंगे, शीतल मिलाएंगे। नंबर 2, घमंड, घमंड लिखेंगे, घमंड मिलाएंगे। नंबर 3, अंतर, अंतर अंतर मिलाएंगे। नंबर 4, शास्त्री, शास्त्री शास्त्री। नंबर 5, भागीरथी, भागीरथी मिलाएंगे, भागीरथी। नंबर 6, तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल लिखेंगे, मिलाएंगे, तीर्थ स्थल। नंबर 7, जीवन, जीवन लिखेंगे, मिलाएंगे,
जीवन। नंबर 8 खंबे, खंबे। खंबे मिलाएंगे। नंबर 9 शीर्ष, शीर्ष। नंबर 10 ऐतिहासिक, ऐतिहासिक लिखेंगे। मिलाएंगे ऐतिहासिक। आगे देखेंगे श्रुतिलेख पठित। श्रुतिलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। श्रुत यानी सुनना, लेख यानी लिखना। अब मैं लिखकर बता रही हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। पानी मनुष्य के लिए जितना आवश्यक है उतना ही पशुओं के लिए भी आवश्यक है। पानी, पानी मनुष्य के लिए जितना आवश्यक है उतना ही पशुओं के लिए, के लिए भी आवश्यक है। फुट ग्राम। पानी मनुष्य के लिए जितना आवश्यक है उतना ही पशुओं के लिए भी आवश्यक है। कुछ जीव जंतु तो जल में ही रहते हैं, कुछ कुछ जीव जंतु, जीव जंतु तो कुछ जीव जंतु तो जल में ही रहते हैं, जल में ही रहते हैं। कुछ जीव जंतु तो जल में ही रहते हैं। पूर्ण विराम। पानी पानी पौधों, पौधों का भी जीवन है। पानी पौधों का भी जीवन है। पौधे भी पौधे भी पानी से पौधे भी पानी से
पौधे भी पानी से सिंचे सिंचे जाते हैं। जाते हैं। पौधे भी पानी से सींचे जाते हैं। पौधों को पानी न मिले तो वे सुख जाते हैं। पौधों को पानी ना मिले तो वे सूख जाते हैं। बच्चों, यह पठित भाग है जो आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। आप लोग वर्तनी तथा श्रुतिलेख का मौखिक एवं लिखित अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।